खूबसूरत अदाकारा रीना रॉय आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं किस तरीके से रीना आज ग्लैमर की दुनिया से, फिल्मी पर्दे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। इतनी दूर रहने के बावजूद भी उनके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि रीना कहाँ है, किस हाल में है और आज फिल्मों से दूर अपना गुजारा करने के लिए आखिर क्या कर रही हैं। आपको बता दें, रीना रॉय वही अभिनेत्री हैं जो पर्दे पर इच्छाधारी नागिन बनकर जब नजर आईं, सिने प्रेमी उन्हें देखते ही उनके कायल हो गए। रीना रॉय हिंदी सिनेमा जगत की वही अदाकारा हैं जिन्होंने जितेंद्र से लेकर अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर राज बब्बर, इन सभी के साथ काम किया है। आज वो फिल्मी पर्दे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, मीडिया की लाइमलाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, लेकिन उन्हें चाहने वालों के दिल में उन्हें लेकर प्यार उतना ही है। हिंदी सिनेमा के दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब रीना हर अभिनेत्री पर भारी पड़ गई थी, इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और उस रिपोर्ट के ज़रिए बताएंगे कि आखिर रीना रॉय आज की तारीख में कहाँ हैं, उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल फेज कौन सा था। आपको बता दें, रीना की ज़िंदगी में दो पड़ाव सबसे मुश्किल आए हैं। पहला पड़ाव जब शत्रुघ्न सिन्हा ने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, और दूसरा मुश्किल पड़ाव जब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस का वजन 122 किलो हो गया था। रीना रॉय की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी किस्से हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं अपनी खास रिपोर्ट में, देखिए ज़रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यकीनन हिंदी सिनेमा में एक दौर ऐसा भी था जब रीना बॉलीवुड में सबसे खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड अभिनेत्री मानी जाती थी। 80 के दशक की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में रीना रॉय का नाम हमेशा शुमार रहा है। आज हम आपको रीना रॉय के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। वक्त कितनी तेज़ी के साथ बदल जाता है। उस वक्त ग्लैमर की दुनिया पर राज करने वाली रीना आज बड़े पर्दे से दूर कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं। 1972 में रिलीज हुई फिल्म ज़रूरत से अपने करियर की शुरुआत कर देने वाली रीना रॉय ने कभी नहीं सोचा था कि वो कामयाबी की बुलंदियों को इस कदर छू जाएंगी। इस फिल्म में एक्ट्रेस डेनी डेंजोपास के साथ रीना नजर आई। इसके बाद रीना रॉय को फिल्में मिलना शुरू हो गईं। आपको बता दें, कई अभिनेत्रियों को पछाड़ कर रीना रॉय जहां एक तरफ कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ती जा रही थी, कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ते जा रही थी, तो वहीं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राज बब्बर जैसे बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में भी कर रही थी। आपको बता दें, बड़े पर्दे पर रीना रॉय की जोड़ी को यूं तो कई एक्टर्स के साथ पसंद किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चे उनके शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुए। रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 11 फिल्में सुपरहिट रहीं। दोनों स्टार्स की जोड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। इतना ही नहीं, गपशप के गलियारों में हर तरफ चर्चे शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर को लेकर होने लगे। ये दोनों एक दूजे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे। 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक से पूनम उर्फ कोमल से शादी कर ली और रीना अंदर तक टूट गई। शत्रुघ्न सिन्हा की बेवफाई रीना रॉय को काफ़ी ज़्यादा खटक गई। रीना रॉय अंदर ही अंदर टूटने लगी। आपको बता दें, रीना रॉय ने नागिन, कालीचरण, आशा, पापी, जमानत जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। एक तरफ रीना शत्रुघ्न सिन्हा के धोखे से टूट गई थी और दूसरी तरफ फैंस के बीच उन्हें लेकर दीवानगी कुछ इस कदर थी कि रीना को खून से लिखे हुए लव लेटर मिलते थे। जी हाँ, नागिन फिल्म की रिलीज के बाद रीना के सितारे जहां और भी ज़्यादा चमक गए,
रातों रात वो सुपरस्टार बन गई तो उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लोग उन्हें खून से चिट्ठियां लिखकर शादी के लिए प्रपोज किया करते थे, लेकिन रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से धोखा खाने के बाद अपने करियर के पीक पर पहुंचकर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। आपको बता दें, मोहसिन खान से शादी करने के बाद रीना ने एक बेटी को जन्म दिया और फिल्मी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। हालांकि जिस एक रिश्ते के लिए रीना ने अपना करियर छोड़ा, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं चला। आपको बता दें, रीना रॉय काफ़ी सालों बाद जब मीडिया के कैमरों में कैप्चर की गई तो उनका लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। जी हाँ, रीना रॉय पहले से काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी। रीना रॉय का मोटापा देखने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये वही ग्लैमरस रीना रॉय हैं। बताया जाता है कि रीना रॉय ने फैट से फिट होने के लिए सर्जरी भी करवाई और एक साल में 25 किलो वज़न कम किया। आपको बता दें, रीना रॉय ने जो सर्जरी करवाई उसे बेरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है, जो 3 तरह की होती है। इसमें लैप बैंड, स्लीव, गैस्ट्रिकटॉमी और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कहा जाता है। लैप बैंड सर्जरी के बाद खाने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इस सर्जरी के बाद 1.5 से 2 साल में वज़न 50 से 60 फीसदी कम हो जाता है। इसमें सामान्यतः खर्च 2 से 3 लाख रुपये आता है। बताया जाता है कि रीना रॉय ने यही सर्जरी करवाई और इन्हीं सर्जरी के बाद अपना वज़न घटाया। अपने ज़माने की खूबसूरत अभिनेत्री रीना रॉय को जब लोगों ने इतने दर्द भरे हाल में देखा तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उम्र बीतने के साथ मोटापा रीना पर हावी हो गया था। हालांकि रीना रॉय ने दोबारा से फिल्मी पर्दे पर वापसी करने की कोशिश ज़रूर की, मगर अफसोस हो नहीं पाई। आपको बता दें, रीना रॉय अपनी निजी ज़िंदगी में काफ़ी परेशानियां झेलने के बाद जब वज़न बढ़ने के कारण परेशान हो गई तो उन्होंने अपने आप को घर में कैद कर लिया। वज़न बढ़ने के बाद जब रीना को फिल्में नहीं मिली तो घर में कैद होकर वो काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगी। गंभीर बीमारी एक रीना रॉय को हो गई थी, जिसके चलते उनका वज़न 122 किलो हो गया था। साल 2000 में पूरी तरह से उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार बढ़ रहे वज़न ने रीना रॉय की ज़िंदगी को दूभर कर दिया था। इस बढ़े हुए वज़न के चलते उनकी सूरत और रंगत बिगड़ गई। सब ने रीना से दूरी बना ली और रीना को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका आत्मविश्वास इस कदर ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया, फंक्शन और इवेंट्स में जाना बंद कर दिया। आज रीना रॉय रियलिटी शो में ही नज़र आ पाती हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से ज़िंदगी में रीना रॉय ने काफ़ी मुश्किलों को झेला है, काफ़ी परेशानियों को झेला है, लेकिन सबसे ख़ास बात आज जब वो रियलिटी मंच पर नज़र आती हैं, जब अपनी ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही किस्से सबके सामने साझा करती हैं तो लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। रीना किसी सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ी हैं, लेकिन उनके फ़ैन पेजेस अवेलेबल हैं। वो मीडिया के कैमरों में कैप्चर नहीं होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जब उनकी कोई पुरानी तस्वीर भी वायरल होती है तो लोग इन तस्वीरों को बेइंतहा प्यार देते हैं। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। होती रहेगी आपसे मुलाकात। दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।